हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं टिक टैक टो का लॉजिक। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम कोड करें, कम से कम कोड करें और हमारा टिक टैक टो का जो लॉजिक है वो बिल्ड भी हो जाए और हम गेम को प्ले कर पाएँ। एक बार 0 चल पाए, एक बार 1 चल पाए, और अगर हमारे विनिंग कॉम्बिनेशंस में से कोई कॉम्बिनेशन आता भी है तो प्लेयर 1 या 0 विन हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि लॉजिक ज़्यादा बड़ा ना हो, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, हम लॉजिक को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक वीडियो में, लॉजिक के पहले वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ें बनाएंगे और कुछ दूसरे वीडियो में हम लोग बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ पार्ट कवर करेंगे लॉजिक का और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पार्ट कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बेहतरीन अच्छे से समझाने की, जिससे कि आप लोग को बहुत कम लॉजिक लिखना पड़े और आपको बहुत अच्छे समझ में आए, जिससे कि आपको लॉजिक लिखने में प्रॉब्लम ना हो। मैं ऐसी कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक गेम को बिल्ड किया है, क्या हमारा जीवाई पार्ट रेडी है कि जीवाई पार्ट नहीं रेडी है। और अगर अभी तक आप लोगों ने जीवाई पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, उस पर क्लिक करिए और जाके उसको पहले देखिए, फिर आइए लॉजिक को बिल्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और इस फाइल पे रन करूँगा। जैसे रन करूँगा तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये जीयूआई बिल्ड किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ सारी बटन्स हैं और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इन पे 00 पुट कर दिया था। ऊपर हेडिंग टाइटल है हमारा जो हमने टिक टैक टो दिया था, और यहाँ पे हमारी क्लॉक चल रही। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियली इन सब को रिमूव कर दूँगा और सबसे पहला ही स्टेप होगा कि हम एक बार क्लिक करें तो 0 चले, दूसरी बार क्लिक करें तो 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर चले। ये वाला लॉजिक सबसे पहले बिल्ड कर दें। उससे पहले हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, इन सारी बटन पे एक लिसनर लगाना पड़ेगा, जिससे कि जब मैं क्लिक करूं तो एक कोड चले। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट कोड में चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गेम माई गेम का ऑब्जेक्ट बनाया था, इस पे चलते हैं। और यहाँ पे जब हम ये क्लास ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, जहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स वगैरह कॉल किए हैं, टाइटल सेट करने के लिए, एमएस सेट करने के लिए, और जीवाई को बनाने के लिए मैंने क्रिएट जीवाई फंक्शन कॉल किया था, ये वाला फंक्शन कॉल किया था। तो यहाँ पे मैंने सारे हेडिंग टाइटल वगैरह ऐड किए हैं और मैंने बटन्स बनाई थी। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया था, आइकन 0.png सेट कर दिया था, इसको मैं हटा दूंगा। तो बटन्स अभी जो हैं वो एकदम ब्लैंक दिखेंगी, उन पे कुछ नहीं दिखेगा। एक बार मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम, जिससे आप लोग ये श्योर हो जाओ कि बटन्स पे कुछ नहीं दिख रहा। आप देख लीजिए, बटन्स पे कुछ नहीं दिख रहा। अब हम चाहते हैं कि मैं क्लिक करूँ तो सबसे पहले अगर एक्टिव प्लेयर 1 है तो यहाँ 1 आ जाए, और एक्टिव प्लेयर 0 है तो 0 आ जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर 0 चल चुका है तो 1, दैट मीन्स ऑल्टरनेट चलाना है हमें, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमने जो हमारी माई गेम वाली क्लास थी एक्सटेंड किया था जे फ्रेम, दैट मीन्स इस क्लास को हम लोगों ने एज अ फ्रेम बना दिया था, पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को लिसनर भी बना पाएंगे। देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जनरेट होगा एक एक्शन लिसनर, तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे एक्शन लिसनर। और इस अब ये जो क्लास है दो चीज़ कर रही है, एक तो ये एक्ट कर रही है एज अ फ्रेम और दूसरा ये एक्ट करेगी एज अ लिसनर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास को एज अ लिसनर भी यूज़ कर पाएंगे और इसी क्लास को एज अ फ्रेम भी यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे एक्शन लिसनर। जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें एक मेथड ओवरराइट करना पड़ेगा एक्शन परफॉर्म। तो हम लोग ये देखिए यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करेंगे, और जैसे सजेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म मेथड आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिसनर है ये क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स दिस। अब दिस दो चीज़ों के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे, दिस मतलब फ्रेम भी, दिस मतलब लिसनर भी। तो हम लोग इस दिस को अपने लिसनर को रजिस्टर करेंगे बटन से। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए सारी बटन को मैंने बनाई कहाँ पे थी, सारी बटन को हम लोगों ने बनाई थी यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग बटन को मेन पैनल पे ऐड करेंगे और एरे में ऐड करेंगे, उसी के बाद मैं क्या करूँगा, हर एक बटन पे कॉल करूँगा ऐड एक्शन लिसनर, और हम लोग लिसनर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्शन लिसनर अपने आप दिस आ गया।
अब क्या होगा, अगर बटन्स पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये फंक्शन चल जाएगा, कोई भी बटन देखिए, क्योंकि ये लूप के अंदर ही मैंने लिसनर लगा दिया है, तो ये पहले बटन पे लग जाएगा, फिर दूसरी बटन, फिर तीसरी बटन, एक से लेके नौ, मतलब आठों नौ बटन पे क्या होगा, सारा लिसनर हमारा लग जाएगा, कोई भी बटन क्लिक करोगे तो ये चीज़ अपने आप चल जाएगा। उसके बाद आप बटन को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भैया कौन सी बटन क्लिक हुई है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं btn डॉट और सेट नेम, एक फंक्शन नेम, हर एक बटन का एक यूनिक नाम रख देंगे, तो नाम जो मैं रखूँगा वो i-1, दैट मीन्स सबसे पहले का 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नाम आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रिंग अपेंड कर देंगे, तो आप लोग ऐसे करिएगा, या थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास है, उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हम लोग i-1 दे सकते हैं। तो एक्चुअली होगा क्या, पहले बटन का यूनिक नेम आ जाएगा 1, 0, सॉरी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इसी तरह 0 से लेके 8 तक, मतलब 9 बटन का एक नाम आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार मैसेज देता हूँ और ये चेक करता हूँ क्या बटन क्लिक करने पे हमारा फंक्शन चलता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक, और इसको सेव करूँगा और फिर अपने प्रोग्राम को रन करूँगा और क्रॉस चेक करूँगा क्या बटन के क्लिक करने पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए कंसोल सब लोग चेक करेगा, क्योंकि मैंने मैसेज दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से, तो देखिए मैं जब क्लिक करूँगा तो देखिए क्लिक आया, मैं ये वाले बटन क्लिक करूँगा, फिर से क्लिक, ये वाले बटन क्लिक करूँगा, फिर से क्लिक, इसी तरह मैंने सारी बटन पर लिसनर लगा दिया था, तो जो भी बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर क्लिक प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शनिंग हमारा प्रॉपर हो रही है, हम बटन को कॉल कर पा रहे हैं और बटन को कॉल करने पर फंक्शन एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अब हमारा दूसरा नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी, हमारी कोशिश की हम ये भी पता लगा पाएँ कि कौन सी बटन क्लिक हो रही है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस एक्शन इवेंट की हेल्प लूँगा, मैं क्या करूँगा ई पे कॉल कर लूँगा गेट सोर्स, तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट मुझे दे देगा, जिस बटन, जो बटन क्लिक हुई होगी वही वाला ऑब्जेक्ट दे देगा। तो मैं एक बटन का वेरिएबल ले लूँगा बटन, और मैं कहूँगा करंट बटन, करंट बटन मतलब कौन सी बटन क्लिक हुई है, और जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं उसको जे बटन में टाइप कास्ट कर दूंगा, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, उस बटन का नाम निकाल सकते हैं, ऐसे हम कहेंगे करंट बटन डॉट गेट नेम, जैसे ही हमें नाम नहीं मिलेगा और ये स्ट्रिंग मिलेगा, तो देखिए मैं क्या करूँगा नेम str स्ट्रिंग में ले लूँगा और मैं इस नाम को प्रिंट करता हूँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी बटन क्लिक हो रही है। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, देखेंगे मेन, देखिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे पता चलता है, मैं 0 क्लिक करूँगा, देखिए 0, क्योंकि मैंने वहाँ से नाम सेट किया था 0, और मैं करंट बटन का नाम निकाल रहा हूँ, मतलब इस बटन का नाम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इधर 8, 7 और फिर 6। इसका मतलब अब हमें पता चल पा रहा है, अगर हम इसको चेक कर लें कि कहीं ये 0 है, अगर 0 है तो हमें पता चल जाएगा कि ये बटन क्लिक हो गई, अगर नेम str की वैल्यू ये है, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 है, दैट मीन्स ये बटन क्लिक हुई। अब हम इस नेम से पता लगा सकते हैं कि कौन सी बटन क्लिक हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोग अब काम कर पाएंगे, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर करूँगा, जिससे हमें पता चल पाए कि कौन सा प्लेयर एक्टिव है, 0, key 1। तो इनिशियली मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे कुछ वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे गेम इंस्टेंस वेरिएबल लिख देता हूँ, सबसे नीचे लिखते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये बटन बनाया था उसके नीचे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गेम इंस्टेंस वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल सबसे पहला वेरिएबल होगा जो हम लोग लेंगे गेम चांसेस का, तो हम लेंगे इंटीजर गेम चांसेस चांसेस, और ये जो वेरिएबल होगा एक एरे होगा, और एरे में मैं इनिशियली ध्यान से देखिए मैं 8 टाइम्स, या कितनी बटन्स थी, 9 बटन्स थी, तो मैं 9 टाइम्स 2 रख लूँगा, देखिएगा 0, 0th पे, 1th पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से गिनते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट मीन्स हमने ये, मैं ऐसा सोचूंगा कि ये हमारे 0th वाली बटन है, और अगर 2 है दैट मीन्स अभी 0 ने भी नहीं चला और 1 ने भी नहीं चला, और
ये वनथ बटन है, और अगर अभी टू है तो वन ने भी नहीं चला, जीरो भी नहीं चला। अगर ये सेकेंड बटन है और अगर टू है तो ना जीरो ने चला है ना वन ने चला। अगर यहाँ पे वन होगी दैट मीन्स इस बटन पे 0 1 2 सेकेंड वाली बटन पे वन वाला बंदा चल चुका है। तो बाय डिफॉल्ट सब इनिशियली टू 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 है, इसका मतलब अभी किसी ने किसी बटन पे कोई भी चाली नहीं चली है। और फिर एक वेरिएबल और लूंगा इंटीजर एक्टिव प्लेयर, और बाय डिफॉल्ट इनिशियली मैं एक्टिव प्लेयर मान लूंगा जीरो को। तो ये सारा काम कर सकते हैं, दो से हमारा काम हो जाएगा। ये है गेम चांसेस, दैट मीन्स कितने चांसेस हैं, तो जितनी बटन से उतने चांसेस हैं। वो इनिशियली टू टू हैं, इसका मतलब कि अभी तक किसी चांस पे किसी प्लेयर ने नहीं चला है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग लास्ट में जहाँ हम नाम प्रिंट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस नेम को इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं इंटीजर नेम इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा इंटीजर में करने के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट, और अपनी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। और स्ट्रिंग को ट्रिम कर दीजिए, कहीं अगर स्पेस वगैरह आ रही होगी आगे पीछे तो हट जाएगी। उसके बाद अब आपको निकालना है कि भैया आप किस चांस पे हो। तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा हम किस बटन पे क्लिक हुआ, मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे गेम ऑफ गेम चांसेस ऑफ नेम। तो सपोज जीरो, सपोज यहाँ पे नेम में आया था जीरो, तो मैं क्या करूंगा इस एरे से जीरो वाली वैल्यू निकालूंगा, दैट मीन्स टू निकालूंगा और मैं यहां पे रख दूंगा। या डायरेक्ट आप इफ के अंदर रखिए, मैं कहूंगा इफ अगर गेम चांसेस ऑफ नेम डबल इक्वल टू टू है, इसका मतलब अभी इस वाले बटन पे यहां पे अगर टू मिल गया, देखिए इस वाले बटन पे अगर टू मिल गया तो इसकी पोजीशन होगी 0 1 2 3। फिर तो जीरो कहाँ से मैं लाया हूँ, नेम से लाया हूँ। जैसे जैसे मतलब जैसे ही आप जीरोथ बटन क्लिक करोगे, मैं जीरोथ वाला ये टू निकालूंगा और चेक करूंगा कहीं टू है, और अगर टू मिल गया दैट मीन्स कि इस पे अभी किसी ने नहीं चला है। और किसी ने नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा एक्टिव प्लेयर कौन सा है। मैं कहूंगा इफ इफ एक्टिव प्लेयर इज डबल इक्वल टू वन, दैट मीन्स इस समय प्लेयर वन की बारी है। और मैं क्या करूंगा, देखिएगा मैं करंट बटन पे, आप कर सकते हो करंट बटन डॉट सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या आइकन सेट करिए डायरेक्ट सेट आइकन, और आइकन में हम लोग यहां पे लिखेंगे न्यू इमेज आइकन। और क्योंकि बारी थी वन की तो मैं लिखूंगा src /image/1.png। और अगर ये चीज इस बटन पे आ गई, इसका मतलब एक्टिव प्लेयर की वैल्यू क्या हो गई, बदल गई है। तो मैं क्या करूंगा, एक्टिव प्लेयर को असाइन कर दूंगा जीरो, दैट मीन्स इसने चला और चांसेस हमने बदल दी। और अगर एक्टिव प्लेयर वन नहीं होगा दैट मीन्स जीरो होगा, तो हमें चलना है यहाँ पे करंट प्लेयर डॉट सेट आइकन, और आइकन में हमें लिखना है न्यू इमेज आइकन, और हम फिर से यहाँ पे जीरो पास कर देंगे 0.png। और अगर जीरो ने अपनी चांस चल दी है तो मैं एक्टिव प्लेयर की वैल्यू कर दूंगा वन, एक्टिव प्लेयर की वैल्यू कर दूंगा वन। इसका मतलब हमारा काम हो गया। और अगर ये टू नहीं होगा, इसका मतलब ये जो पोजीशन है वो ऑलरेडी एक्यूपाइड है, तो मैं यहाँ पे एल्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पे मैसेज दे दूंगा जे ऑप्शन पेन से, इस बार मैसेज दूंगा जे ऑप्शन पेन डॉट सो मैसेज बॉक्स, सो मैसेज डायलॉग, और पास करूंगा नल जैसे सेंटर पे दिखे, या आप दिस भी पास सकते हो अपना फ्रेम, तो फ्रेम के ऊपर दिखेगा। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलाते हैं एक बार प्रोग्राम को, देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक प्रोग्रेस किया, कहाँ तक हमारा गेम बिल्ड हुआ है, क्या हमारा ऑल्टरनेट प्लेयर चल पा रहा है। तो देखिएगा अभी सब पे 0 0 होगा, तो जैसे ही 2 2 होगा, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए 0, अब जैसे 0 चला एक्टिव प्लेयर 1 हो गया होगा, और उस 2 की जगह मुझे अभी बदलना था तो मैंने अभी बदला नहीं है, मैं अभी बदलूंगा। मैं 1 क्लिक करूंगा देखिए 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। लेकिन अभी मैंने उस एरे की वैल्यू चेंज नहीं की है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फिर उसको 2 मिलेगा और देखिए 1 हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लेयर को चेंज करने से पहले मैं क्या करूंगा, गेम चांसेस पे जहाँ पे 2 है
गेम चांसेस ऑफ नेम और उसकी वैल्यू को मैं एक्टिव प्लेयर रख दूंगा। दैट मीन्स अगर बंदे ने चल दिया है तो मैं इस टू की जगह यहाँ पे मैं एक्टिव प्लेयर दैट मीन्स वन रख दूंगा, और जीरो होगा तो जीरो रख दूंगा। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे भी करूँगा, गेम चांसेस ऑफ नेम इज इक्वल टू और एक्टिव प्लेयर रख दूंगा। तो इससे होगा क्या आप देख पाएंगे, मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मेन को रन करता हूँ, तो इससे होगा क्या कि एक बार अगर पोजीशन ऑलरेडी चल चुका है बंदा तो दोबारा पोजीशन एक्यूपाइड मैसेज आएगा, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वहाँ पे दो नहीं मिलेगा। देखिएगा मैं यहाँ पे चला और फिर मैं क्लिक करूँगा, देखिए पोजीशन ऑलरेडी एक्यूपाइड। दैट मीन्स जैसे ही आपने पहली बार चला तो यहाँ पे देखिए जीरो आया होगा या वन आया होगा, जो भी एक्टिव प्लेयर होगा आ गया होगा, लेकिन उस पोजीशन पे एक्टिव प्लेयर की वैल्यू आ गई। तो जब आप उस पोजीशन पे दोबारा चलोगे तो यहाँ पे टू नहीं मिलेगा और वो चलेगा एल्स, तो इसीलिए मैसेज आ गया देखिए एक्टिव दिस पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, बट यहाँ चलोगे तो टू मिलेगा वन आ जाएगा। फिर इस पे चलोगे पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, फिर से आप यहाँ पे क्लिक करोगे जीरो आ जाएगा, पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। दैट मीन्स हमारा ऑल्टरनेट वाला तो काम हो गया, अब दोबारा भी आप नहीं चल सकते, ये वाला भी काम हो गया और सारा काम हो गया। बट अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे विनिंग पोजिशंस देखनी है कि कितने कॉम्बिनेशन है, बंदा कौन सा जीत रहा है, जीरो जीत रहा है कि वन जीत रहा है, कौन सा बंदा जीत रहा है, ये चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे। क्योंकि अब हमारा चांसेस तो सारे प्लेयर्स अच्छे से चल पा रहे हैं, बट हमें विनिंग पोजिशंस कौन कौन सी पोजिशन ऐसी हैं जिस पे बंदा जीत सकता है, जीरो या वन, ये सारी पोजिशंस निकालनी होंगी। और उसके बाद हम लोग को चेक करना होगा कि जो बंदा चल रहा है जीरो या वन, वो जीता तो नहीं है। अगर जीता नहीं है तभी नेक्स्ट चांसेस हमें अलाउ करनी है, लेकिन अगर बंदा जीत गया होगा तो हमें अलाउ नहीं करनी है चांसेस। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, विनिंग पोजीशन वाली चीज़ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है और लंबी होगी तो आप लोग बोर होगे। अभी आप इस वीडियो में इतना बनाइए कि आपको ऑल्टरनेट प्लेयर्स को चलाने हैं, उसके बाद एक बार बंदा चल जाए एक पोजीशन पे तो दोबारा जब चले तो यहाँ पे मैसेज ऑलरेडी एक्यूपाइड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग विनिंग प्लेयर्स को कैसे फेच करेंगे और ड्रॉ को कैसे चेक करेंगे, दो चीज़, क्योंकि इसमें ड्रॉ भी होता है, जिसको हम लोग खिचड़ी पंगना बोलते हैं, इसमें ड्रॉ भी होता है, तो ड्रॉ को कैसे चेक करेंगे और विनिंग प्लेयर्स को कैसे चेक करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर भी करिए आपस में, जिससे कि लोग और भी लॉजिक बनाना सीख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।